इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में ब्लू व्हेल गेम का कहर, एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र का नाम आदित्य वर्धन सिंह है। निर्मला कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में यह छात्र पढ़ता था। फांसी लगाकर इसने जान दे दी और ब्लू व्हेल गेम ने एक और जान ले ली है। एक छात्र ने जान दे दी। मृतक छात्र का नाम आदित्य वर्धन सिंह था। निर्मला कॉन्वेंट में यह छात्र पढ़ता था और उसने जान ले ली। वो ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था और जैसा कि इस गेम में आखिर में खुदकुशी करने का टास्क होता है, इस छात्र ने भी खुदकुशी कर ली। तो ब्लू व्हेल गेम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से इस पर रोक लग गई है, बावजूद इसके इसका लिंक कहीं ना कहीं से इन छात्र छात्राओं को मिल जा रहा है। कोई जान लेने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जा रहा है तो कोई छात्र खुदकुशी कर ले रहा है। तो ये देखिए बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में ब्लू व्हेल गेम का कहर, एक छात्र ने यहां पर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र का नाम आदित्य वर्धन सिंह है। निर्मला कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में यह पढ़ता था और इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि इस छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है, पंखे पर लटक कर जान दी है। तो मृतक का नाम आदित्य वर्धन सिंह, ये छात्र तो निर्मला कॉन्वेंट में पढ़ता था आदित्य। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव को। तुषार, ब्लू व्हेल गेम का ये कहर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, इसके लिंक कैसे मिल जा रहे हैं इन छात्र छात्राओं को? बिल्कुल, देखिए ब्लू व्हेल गेम है, उसका जो कहर है वो लगातार जारी है। इससे पहले भी यहाँ कई लड़के इसके चपेट में आ चुके हैं, लेकिन एक सरल लड़का आदित्य वर्धन सिंह, उसने इसके अंतिम पड़ाव पे पार करने के लिए फांसी लगा ली और सुसाइड करके उसकी डेथ हो गई। तो ये लिंक है, ये लिंक ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे आ रहे हैं और मोबाइल से वो सीधे लड़के उसको डाउन जब खोल रहे ओपन कर रहे हैं तो पड़ाव उसका शुरू हो जा रहा है, जो स्टेज है वो शुरू हो जा रहे हैं 1 2 3 और वो लिंक शुरू हो जाए, जबकि इसको ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक करने के बाद भी आपके मोबाइल पे जो बच्चे हैं वो उनके मोबाइल पे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तुषार इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर लिंक कहीं ना कहीं से इन छात्राओं को मिल जा रहा है और ये गेम नहीं बल्कि एक ट्रैप है ये कहा जाता है। इस गेम को जो लोग खेल रहे हैं, इस गेम को जो लोग जानते हैं, तो एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। आखिरी टास्क होता है इसमें खुदकुशी करने का। लगातार इसका कहर बढ़ता जा रहा है और इस पर बैन लगाने की मांग की गई थी। सरकार ने इस पर बैन लगा भी दिया इस गेम पर, बावजूद इसके इसका लिंक कहीं ना कहीं से एक्सेस हो जा रहा है और ये छात्र छात्राएं जान दे दे रहे हैं। तो एक और छात्र की जान चली गई इस गेम के चक्कर में फंस कर, इस गेम में ट्रैप होने से फंस कर।